मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 23 फरवरी को एनसीपी और कालशेखर अस्पताल की तरफ से मल्टी मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ करीब 3000 लोगों ने लिया है। 11 पेशेंट इस कैंप के जरिए कालशेखर अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके अलावा एक 1.5 साल का बच्चा मोहम्मद शाद भी तेज बुखार होने की वजह से कालशेखर अस्पताल में भर्ती किया गया था, मगर अब बच्चे को नायर अस्पताल में जांच के लिए भेजा जा रहा है। सिर्फ रिपोर्ट आने के बाद बच्चे का इलाज कालशेखर अस्पताल में फिर किया जाएगा। वहीं 11 पेशेंट में से करीब 6 पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5 का इलाज अभी चल रहा है। भर्ती किए गए पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री में किया जा रहा है, मगर किसी भी तरह का टेस्ट अगर बाहर से उन्हें करवाना है तो उसमें जो भी पैसे खर्च लगेंगे वो एनसीपी के तरफ से दिया जाएगा। वहीं कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन मैडम ने जानकारी दी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अस्पताल में और भी सरकारी योजनाएं ला सके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। वही इस कैंप के जरिए जो 1.5 साल का बच्चा मोहम्मद साद कालशेखर अस्पताल में एडमिट हुआ था, उस बच्चे की जांच डॉक्टर जुबैदा कर रही हैं। और डॉक्टर जुबैदा इस बच्चे के बारे में क्या जानकारी दी है और कालशेखर अस्पताल की सीईओ आफरीन मैडम और एनसीपी के शमीम खान ने क्या कुछ जानकारी दी है। जो बच्चा यहाँ 1.5 साल का मोहम्मद साद एडमिट हुआ था उस दिन, तो उस बच्चे का भी क्या पोजीशन है? अभी बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पहले आया था जब उसको हाई ग्रेड टेम्परेचर था, 104 से उसका टेम्परेचर कभी नीचे हुआ ही नहीं। 3 मंथ से बता रहे हैं कंटिन्यू उसको टेम्परेचर था। वो कई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बस उसको रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद में वो अपने कैंप में आया, कैंप से उसको एडवाइज़ किया गया कि वो यहाँ आकर के एडमिट हो। उनको एसएम सिद्दीक सर के अंडर एडमिट किया गया। जब से उसको एंटीबायोटिक वगैरह दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन उसको फोकस नहीं मिला कि फीवर क्यों है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए सब के लिए हमने डायग्नोस करने की कोशिश की, बट अभी उसको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उसको बोन मैरो स्टडी के लिए नायर भेज करके उसको बोन मैरो स्टडी करा के वापस से इधर लेकर आएंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि उसको कैंसरस की वजह से तो नहीं है, या उसको इन्फेक्शन उस इतना हद तक की तो नहीं पहुंच गया कि बोन मेरे में जा कर के वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है। ये स्टडी के बाद ही पता चलेगा कि अभी इसको क्या है। तो यानी बच्चे का क्या संभावना लग रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है? पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है और क्या डायग्नोसिस निकला है और फिर क्या उसको और ट्रीटमेंट फर्दर दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल उसका डायग्नोसिस बना नहीं है। जो बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स हैं वो अभी घर जा चुके हैं, उनको 2 दिन का वक्त चाहिए। वो अपने घर वालों से बात करके वापस आके एडमिट हो जाएंगे और योजना के अंडर उनका बाईपास और प्लास्टिक ये दोनों मुफ्त में होगा। जो एंजियोग्राफी हुआ है वो हॉस्पिटल की तरफ से और एनसीपी की तरफ से फ्री में किया गया है। उनके अलावा तकरीबन अभी भी हमारे पास 6 पेशेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 2 पीडियाट्रिक हैं, एक का तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है डॉक्टर के साथ, और एक है जो जॉन्डिस का बच्चू है, आज डिस्चार्ज है इंशाल्लाह। वो बच्चे को भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उनके अलावा 2 फीमेल पेशेंट्स हैं जो ऊपर हैं, जिसमें से एक आंटी हैं जो तकरीबन 3 साल से चक्कर की कंप्लेन कर रही हैं। उनके साथ कोई रिलेटिव नहीं है, बेटियाँ हैं, बेटियों की शादी हो चुकी है और देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो एडमिट नहीं हो पा रही थी। वो तो हमको मौका मिला इस कैंप के ज़रिए कि उनको एडमिट किया गया। अच्छा, जो लेडीज़ के बारे में बता रही कि उनका कोई है नहीं अभी तक, हॉस्पिटल में भी कोई देखने के लिए नहीं आया? हॉस्पिटल में है उनके, बट वो रिलेटिव हैं जो भाई के बहन के बच्चे हैं, बट उनका सगा कोई नहीं है यहाँ पे। जो इलाज हो क्या बीमारी है उनको, ऐसा जो है कुछ लंबी बीमारी, लंबा इलाज उनका चलेगा किस हॉस्पिटल? उनका न्यूरो का प्रॉब्लम है, उनकी जो एक दिमाग की नस है वो दबी हुई है, जिसकी वजह से उनका लेफ्ट हैंड और लेग में मूवमेंट नहीं है। तो बेशक उनका इलाज बहुत लंबा जाएगा, उसमें MRI भी कराना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो CT/NGO भी कराना पड़ेगा और न्यूरोलॉजिकली उनको ट्रीट करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या आपके हॉस्पिटल के थ्रू उनका इलाज होगा क्या ठीक होने तक? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका इलाज हमारे हॉस्पिटल के थ्रू हो। अगर जो केस जो हाई एंड है, जैसे यहाँ पे पता चला अभी बोन मैरो हमारे पास होता नहीं है, उसके लिए हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि नायर और KM के डायरेक्टर से बात करा के हमारी एम्बुलेंस जाएगी, वहाँ से MRI कराएगी और वापस हमारी एम्बुलेंस में ही वो पेशेंट्स को हम वापस लेके आएंगे। जिस तरह से और भी सरकारी योजनाएं हैं जो हॉस्पिटल लोगों के फ़ायदे के लिए, तो ऐसे और कौन कौन सी जो है सरकारी योजना है जो आप इस कालशेखर हॉस्पिटल में लाना चाहेंगे आप?
इस बारे में रिस्पेक्टेड शमीम भाई से ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। शमीम साहब ने वादा भी किया है कि वह वार्ड साहब से बात करेंगे। इंशाल्लाह मंडे की मीटिंग भी उन्होंने हमारी फिक्स की हुई है। जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, कैंप में भी देखा कि 1500 से ज़्यादा पेशेंट जो थे वो ऑप्थाल्म प्रॉब्लम के वहाँ पे आए हुए थे, जिनको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम था। ये एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की योजना ऐसी है कि इसमें पूरा कैटरैक्ट का 4,000-4,500 रुपये का जो खर्च है वो गवर्नमेंट करती है, और वो हम चाहते हैं कि वो कालसेकर में आए। उसके अलावा भी हमारी 2-3 चीज़ों पर बात चल रही है, जैसे कार्डियक एम्बुलेंस को लेकर हुआ, डायलिसिस है, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर डायलिसिस भी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शमीम साहब के थ्रू वो कालसेकर में शुरू हो जाए। लेकिन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब को इस बात की बहुत फिक्र है। आज हम उनके आदेश के अनुसार कालसेकर पहुँचे। जब खाला से मुलाकात किया, इस्लामुद्दीन साहब आप मौजूद थे वहाँ पर, तो मैंने खाला से पूछा कि खाला आपकी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ दुखता है, कुछ उनको ब्रेन में प्रॉब्लम्स है। क्या है वो डॉक्टर बता सकती हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ, इंसान के दर्द को समझ सकता हूँ। जो खाला ने बताते हुए रोया वो आपके कैमरे में वो चीज़ कैद है। खाला ने कहा कि मेरा कोई सरपरस्त नहीं है बेटा। मैंने कहा खाला मुझे पहचानते हैं? तो बोले हाँ शमीम खान। बोला खाला आपका सरपरस्त सबसे पहले अल्लाह ताला है, उसके बाद मैं आपका बेटा हूँ, ये आपकी बेटी है मैडम। खाला ने हाथ पकड़ के रोया और अल्लाह से दुआएं दी। इस तरीके से इस्लामुद्दीन साहब अब तक 65-60 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं। हर जगह हम आपको लेके जा नहीं सके, लेकिन वो एक बच्चा है छोटा सा जिसको मैडम ने अभी रिफ़र किया है उसका अपना रिपोर्ट्स कराने के लिए नायर में। मैडम ने बात किया है, वहाँ उनको भेजा है। इस तरीके से कैंसर के पेशेंट भी हैं। इस्लामुद्दीन साहब, ये जो कैंप लगाया गया या आगे लगाया जाएगा, ये ज़रूरतमंदों के लिए है, और ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए कैंप को आगे भी किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से मैंने आपके माध्यम से कभी कहा था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैंने कहा था कि इस कैंप के अंदर कोई चार्जेस नहीं होगा। इनका जो एक सपना था कालसेकर को लेकर के, हाजी अब्दुल रज्जाक साहब का, वो इंशाल्लाह ताला मैडम के माध्यम से पूरा होगा। और अल्लाह का एहसान है कि आज कालसेकर हॉस्पिटल में EMD डॉक्टर्स रहते हैं रात के टाइम पे। मैं एक दिन यहाँ दौरा किया था तो रात में डॉक्टर्स मौजूद थे यहाँ पे, EMD डॉक्टर्स। इस्लाम मुमरा में कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आपको BUMS डॉक्टर मिलेंगे, आपको वहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं मिलेंगे। पहले यहाँ भी नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पे EMD डॉक्टर्स हैं, आज यहाँ पे MBBS डॉक्टर्स हैं। मैं एक दिन आया था तो डॉक्टर साहब का नाम क्या सर? डॉक्टर बदू जमा साहब मौजूद थे वहाँ पे। तो मेरे को डाउट हुआ, माफ़ करना डॉक्टर साहब, मैं एकदम साफ बात करने वाला इंसान हूँ। डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई डॉक्टर है क्या MD और MBBS? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ शमीम भाई, ये डॉक्टर साहब MD हैं और एक MBBS है। तो मैंने अपने आँखों से आई विटनेस हूँ उसका, मैं इसे मैंने देखा है। डॉक्टर साहब मुझे मुलाकात कराया उन डॉक्टर से, तो वाकई में ये बहुत काबिले तारीफ बात है। और मैं फिर एक बार कालसेकर की पूरी टीम का और मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और माफ़ करना, मैं अगर उनका नाम ला लूँ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं कालसेकर मरहूम साहब के जो साहबजादे हैं उनके बेटे सलीम साहब, जो अभी मुझे मैडम ने व्हाट्सएप पे दिखाया कि सलीम साहब ने मैडम को मुबारकबाद पेश किया, तो वाकई में इस मुबारकबाद के मुस्तहिक सलीम साहब हैं। उसके बाद में हम लोग कोई भी होते हैं, फर्स्ट वो हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब ने जो काम किया, हाजी साहब ने, वो शायद अब तक किसी ने नहीं किया होगा। थैंक यू। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।